हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीषाज क्रिएटिविटी चैनल। आज हम इस वीडियो में इस क्रॉप टॉप को बनाना सीखेंगे। इस क्रॉप टॉप को बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने बेसिक बॉडी पैटर्न का बैक और फ्रंट दोनों पार्ट ड्रॉ कर लेंगे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को एक पेपर पर रखते हुए उस पर ड्रॉ करेंगे। पेपर पर फ्रंट पार्ट को ड्रॉ करने के बाद हम अपने शोल्डर लाइन पर 14 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये निशान आप 10 से 15 इंच पर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर 14 इंच पर लगा रही हूँ। अब ये निशान लगाने के बाद हम अपनी शोल्डर की लेंथ लेंगे। मेरे शोल्डर की लेंथ 4.5 इंच है, तो मैं इस निशान से ऊपर 4.5 पर एक निशान और लगाऊंगी। और जो मैंने 14 इंच पर निशान लगाया था उसको अपने गले की गहराई से मिलाते हुए एक कर्व लाइन खींच लूँगी। अब मैं शोल्डर की लेंथ का जो निशान लगाया था उससे कर्व लाइन खींचते हुए फ्रंट पार्ट से मिलाऊंगी। इस निशान को फ्रंट पार्ट से मिलाने के बाद हम अपने साइड वाली प्लेट्स ड्रॉ करेंगे और पैटर्न की कटिंग कर लेंगे। पैटर्न की कटिंग करने के बाद मैं आपको इसे जॉइंट करके दिखाती हूँ कि ये कैसे जॉइंट होगा। इसे हम अपने फ्रंट पार्ट पर रखते हुए शोल्डर से शोल्डर अटैच करेंगे और जो हमने इस तरह से प्लेट्स डालकर जो शोल्डर की लेंथ ली थी उधर हम उसको शोल्डर से मिलाएंगे। हम फ्रिल वाले पैटर्न पर हल्की सी नीचे से भी कटिंग कर लेंगे। हमने ये कटिंग इसलिए की है नीचे का जो फ्रंट वाला पार्ट है वो दिख सके। मैंने अब कपड़े पर अपने फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और इस फ्रिल की कटिंग कर ली है। फ्रंट और बैक पार्ट पर मैंने नीचे की सिलाई लगाकर फिर कटिंग की है। अब मैं इनमें प्लेट्स डाल लूँगी। अब हम हमारे जो फ्रिल वाला पार्ट है उसकी भी प्लेट्स डाल लेंगे और जो फ्रिल है उस पर हम पिको कर लेंगे। अब हम इसको अपने फ्रंट पार्ट से जॉइंट करेंगे। इस तरह से प्लीट्स डालते हुए हम इसे अपने नेक से जॉइंट कर लेंगे। ये हमारा क्रॉप टॉप सिलकर तैयार है। अब हम इसके आर्म होल, इसके
नेक और आर्म होल पर पट्टी स्टिच कर देंगे। मैंने ये पट्टी स्टिच कर दी है। अब मैं रेडी करके आपको दिखाती हूँ ब्लाउज कैसा लग रहा है। और मैंने इस पर साइड जिप लगाई है। ये हमारा क्रॉप टॉप सिलकर तैयार है। आपको मेरा ये क्रॉप टॉप कैसा लगा और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।